हेलो माय डियर लिब्रा, सो लेट्स सी कि ये जो साल आगे आने वाला है 2025, इस 2025 की पांच ऐसी भविष्यवाणी यहाँ पे मैं करने वाली हूँ। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, बस पांच, एंड क्लैरिफाई करने के लिए भी मैं ले लूँगी। वो सारी बताएंगे कि आपकी जो भविष्यवाणी यहाँ पे होगी, आपकी लाइफ में किस तरीके से ब्लेसिंग्स गाइडेंस लेकर आ रही है और गुड न्यूज़ सरप्राइजेस लेकर आ रही है, जो कि 1000% सच होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस है, कोई भी देख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग कैसे लोगे, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे कुछ और भी मैं कार्ड्स ले लूँ आप सभी के लिए। मैंने और भी बहुत सारे डिटेल रीडिंग बनाए हैं, तो चैनल पे जाके विजिट करके आप सारी रीडिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी आप सभी के लिए, तो आप सभी लोग रहिएगा पॉजिटिव। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पाँच इवेंट्स, पाँच घटनाएँ जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगी, वो आपको पता चलने वाला है। तो पहला कार्ड है आपके लिए श्योरली सक्सेस इन इंटरव्यू। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे आप हर बार इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, हर बार आप जैसे फेल हो जा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या मेरे अंदर कमी है। हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन वो कमी पूरी होने वाली है। और अब आगे आने वाले टाइम में जब भी 2025 में आप कोई भी इंटरव्यू देंगे, चाहे एक या दो या चार या पाँच या दस, आप सारे इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो श्योरली आप एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए। और सबसे पहली बात, आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है चैनल पे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती, लेकिन अब ऐसा फील कर रहे होंगे क्योंकि टैरो को खुद गाइडेंस दे रहा है कि इंटरव्यू होने वाला है जो आपका, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जो आपको जॉब चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले टाइम में बेटर टाइम आपका होगा। निगेटिविटी किसी भी तरह से नहीं होगी, लेकिन अगर होगी तो अफर्मेशन भी मैं आपको करा दूंगी, और भी कार्ड्स हैं उसके थ्रू भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी तक जो मैंने कार्ड आपके लिए देखा, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लाइफ की निगेटिविटी अभी भी जो भी है, ठीक है, या फिर कोई निगेटिविटी थोपने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है अपने माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और आपका माइंड है, बॉडी है, सोल है, स्पिरिट है, ठीक है, जो भी आप मानते हैं, वो सब बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कॉन्शियसली अपने फ्यूचर को, ग्रेजुअली एंड कॉन्शियसली अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे होगा ना कि मुझे ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, पहले इंसान से पहले आपको अच्छा जॉब चाहिए, तो ये जॉब मुझे मिल गया, करियर अच्छी हो गई, अब मुझे ऐसा इंसान चाहिए, डिज़ायर पर्सन। तो धीरे धीरे बहुत कॉन्शियसली आप जो है अपने ड्रीम को क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है गुड थिंग्स लीडिंग द पाथ। सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा है कि आप लीडरशिप रोल निभा सकते हैं, अपने घर में प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, या फिर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़े बहुत आपके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन इससे आपको ये भी तो पता चलेगा ना कि आपके अंदर का जो क्षमता है, जो पावर है, वो बहुत बढ़ चुका है, तभी तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। और ये कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, ऑफिस का भी हो सकता है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ेंगी। तो कभी भी आपको कोई प्रमोशन मिले तो आपको देखना है कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने लायक हूँ, अगर मैं उठा सकता हूँ या सकती हूँ तो मैं इसको करूँगा। वैसे आप कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखिए, कर लेंगे। और आप एक बार सोच लीजिए कि हाँ मैं कर लूँगा, उठा लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप उसके आदी हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको सन गॉड से बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, इसलिए सन गॉड की जो एनर्जी है उसको लीजिएगा। और सबसे पहले कमेंट में थैंक यू सो मच सन गॉड लिखिए। जब भी कोशिश कीजिए उठिए तो सनराइज आप ज़रूर देखिए, और सनसेट बहुत एनर्जी स्ट्रांग होती है उस टाइम की, ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो फोर फादर हैं, ठीक है, वो भी आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भी आपको बहुत सारे सरप्राइजेस दे रहे हैं। इन फ्यूचर 2025 में ऐसा लग रहा है कि जितने भी टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी, और आपको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। अफर्मेशन एक दो कीजिए, जैसे कि आई एम ग्राउंडेड इन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट
आई कैन टैप इन टू अ वेल स्प्रिंग ऑफ इनर हैप्पीनेस एनी टाइम आई विश. आई फाइंड जॉय एंड प्लेजर इन द मोस्ट सिंपल थिंग्स इन माई लाइफ. ठीक है, तो आपके लाइफ में अबंडेंस बहुत ही स्पिरिचुअली वे में आएगा, वेल्थ आएगा. ठीक है, आपकी लाइफ की रिन्यूअल होते हुए दिखाई दे रही है, जेनरस होते हुए दिखाई दे रहे हो और पैशनेट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वाओ, फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शादी होगी बहुत सारे लोगों की. 2025 में आप पेट्स भी रख सकते हैं, ठीक है, डॉग्स, कैट, जो भी आपका फेवरेट है वो रख सकते हैं. तो फैमिली में अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो ख़त्म होगा. वैसे अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी दिक्कत है, ठीक है, वो भी ख़त्म होगा. या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे. तो खुशियाँ और शांति और पीसफुलनेस आपके चेहरे पे, आपके फैमिली लाइफ में, आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ. और आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो रहे हैं. कमेंट में लिख सकते हैं, आई एम एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड जॉय एंड सक्सेस, आई एम गेटिंग हेल्दियर एंड हैप्पियर एवरी डे, आई लव माई बॉडी, आई एम मैग्नेटिक, मैं मैग्नेटिक हूँ, आई ऑलवेज गेट वॉट आई डिज़ायर, आई अट्रैक्ट सक्सेस, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़. मैं अपने लाइफ में सक्सेस को, मनी को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ. मैं आपको क्यों इतना अफर्मेशन बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करें. जैसे आपका 2025 शुरू हो, उसी टाइम ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, ताकि आपका पूरा का पूरा 2025 जो है वो अमेजिंग बीते. घूमने फिरने को आप जाओ, सब कुछ करो. तो ये अफर्मेशन है, आई एम रिच इन ऑल एरियाज़ ऑफ माई लाइफ, चाहे मेरा पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, अमेजिंग है. आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद द मैन ऑफ माई ड्रीम या फिर विद द वुमन ऑफ माई ड्रीम. मैं एक कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, किसके साथ, द मैन ऑफ माई ड्रीम या फिर द वुमन ऑफ माई ड्रीम. आई डिज़र्व एवरीथिंग आई वॉन्ट, और मैं डिज़र्व करती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ या फिर जो भी मैं चाहता हूँ. तो इसीलिए यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे 6 महीने बीतेंगे ना, मतलब जैसे 6 महीना आ जाएगा, मतलब जून जुलाई जो भी आप मान लीजिए, उससे पहले ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप रिच हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे. ठीक है, और 10 ऑफ कप्स पेंटिकल्स की एनर्जी तो ये बता रही है कि शायद आप अपना कोई घर भी खरीद लें. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप घर खरीदना चाहते हो, तो आप घर भी खरीद सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, हैप्पीनेस होगा, कंटेंटमेंट होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या परचेस खरीद सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर डेवलप होगा, बिजनेस एंड करियर के मामले में आप बहुत प्रॉस्परस रहने वाले हैं, प्रेगनेंसी की भी में भी न्यूज़ मिल सकती है. लिविंग इन अ कम्फर्ट, मतलब आप कम्फर्टेबल लाइफ जी रहे हैं और कम्फर्ट में जी रहे हैं, ऐसा भी यहाँ है. ठीक है, और दूसरी कार्ड की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स, मतलब ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि 2025 में जो सेकेंड इवेंट की बात की जाए, पैसे बहुत होंगे, हेल्थ भी अच्छा होगा, घूम घूम के आप लोगों की सेवा करोगे. ठीक है, आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं. ठीक है, और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है, उसमें हेल्दी सिक्योरिटी होगी आपकी. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, 6 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, और आप पास्ट की एनर्जी है, लेकिन कोई पास्ट के पर्सन कोई बुरे इंसान नहीं होंगे, कोई अच्छा ही होगा, कोई दोस्त यार ही हो सकते हैं आपके. वैसे आप कुछ नए चीज़ें सीख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद आप कोई ड्रामा या कोई फेक फ्रेंड नहीं बना रहे हैं, मतलब आपके लाइफ में कोई ड्रामा या कोई फेक फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम को कर रहे हैं और अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ केयर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है. उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है. ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे. उसके बाद भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं, आप दूसरों के लिए भी खड़े हो उतर रहे हैं, अपने लिए भी खड़े हो उतर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी इवेंट जो घटनाएं होंगी वो है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स. पैसे के मामले में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में,
वाओ, चैरियट की एनर्जी है, मतलब घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपने ड्रीम बाइक खरीदना, एडवेंचरस जिंदगी जीना, अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जीना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जी भी रहे हो ना, तो किसी बात का कोई डर नहीं होगा कि हाँ, मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मना किए होंगे, तुम ऐसे नहीं जीना है, वैसे नहीं जीना है, लेकिन आपने उनके अगेंस्ट जाके अपना जीना शुरू कर दिया है या करोगे, तो भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा। आप जैसी ज़िंदगी जियोगे या जिसके साथ जीने का फैसला करोगे, वो आपके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीज़न होगा और बहुत एडवेंचरस आपकी लाइफ होगी। बस थोड़ा संभल कर चलिएगा, और सही गलत का बहुत ज़्यादा आपके अंदर परख आ रहा है, अच्छे डिसीज़न लेना आप सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, वो ये है कि फॉरेन सेटलमेंट आपका होगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ओके, पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।